नमस्कार दोस्तों, आजकल की दौड़ भरी जिंदगी में हमेशा समस्या से घिरा हुआ हर कोई व्यक्ति है। हर किसी के घर में कोई ना कोई समस्या चली ही रहती है। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमारी से घिरा हुआ है या फिर अपने घर की ही समस्याओं को लेकर इतना ज्यादा डूबा रहता है जिसकी वजह से उसके घर में धन की हानि होती ही रहती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में धन की हानि ना हो और घर में धन की वृद्धि होती रहे तो आप रात को तिजोरी में ये कार्य जरूर करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जिससे आपकी तिजोरी भी भरी रहेगी और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी भी दूर हो जाएंगी। समस्याओं को दूर करने के लिए हर पुराण में और फेंग शुई में बहुत सारे नियम हैं। यदि उन नियम के अनुसार आप अपने घर में उन नियमों को अपनाते हैं और उन नियम के अनुसार अपने घर में पूजा पाठ या फिर और भी कार्य करते हैं तो उससे आपके घर में धन की हानि बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ऐश्वर्य और वैभव वही रहता है जहाँ पर आप अपने मन को और तन को साफ रखते हैं। क्योंकि यदि मन चला हुआ हो तो उस जगह पर कभी भी कोई भी ऐश्वर्य और वैभव कभी नहीं रुकता, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी चंचल के रूप में प्रकट किया जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसी चंचल देवी हैं जो जहाँ पर सफाई हो और जहाँ पर मनुष्य अपने मन और तन को साफ रखता है तो उस जगह माँ लक्ष्मी हमेशा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और आपके घर में धन का लाभ हो तो आप रात के 3 बजे से 5 बजे के समय उठें और उठने के बाद स्नान करें और उस स्थान पर जाएं जहां से आप आसमान को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। और ऐसा करने से आपके जीवन में हर प्रकार की जो समस्या है वह सभी आसमान में घुल जाएंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। और यदि आप चाहते हैं कि धन की प्रॉफिट होती रहे और आपके व्यवसाय में भी कोई हानि ना हो, यह कार्य आपको हफ्ते में 3 बार करना है। आप उसमें से शुक्रवार, सोमवार और बुधवार 3 दिनों को चुन सकते हैं और इन 3 दिनों में आपको यह कार्य करते रहना है। कम से कम 1 महीने या फिर 2 महीने तक आप ये लगातार कार्य करते रहें। आप रोज सुबह उठें, 3 बजे से 5 बजे तक के समय में आप जाएं बिना किसी को बोले, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आपको टोक भी सकता है। आप रात के 3 बजे क्या कर रहे हैं कोई भी पूछ लेगा, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप चुपचाप जाएं, तो या फिर आप पहले ही घर में किसी को बता दें कि मुझे रात में थोड़ा टहलने की आदत है, या फिर कुछ भी बहाना बना सकते हैं। लेकिन आप क्लियरली किसी को बताओगे तो उसमें आपको लाभ नहीं होगा। और यदि आप चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो और व्यवसाय में भी लाभ हो तो आप ये कार्य बिल्कुल शांत मन से करें। और यदि आप अपने घर के छत पर खुले आसमान में घूमते हैं और खुले आसमान की तरफ आप हमेशा पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख करके खड़े हो जाएं और माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होने से आपके घर में तिजोरी में धन की वृद्धि होगी। लेकिन आप खास ख्याल रखें कि जब ये कार्य कर रहे हैं तो उस समय आप बैठ कर करें या फिर खड़े होकर, ये आपके ऊपर है जितनी देर तक आपको माता का ध्यान करना है। लेकिन उसके लिए आप एक बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये बात जरूरी है। जब भी आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। ध्यान करने के बाद जैसे ही आपको लगता है कि हाँ बहुत देर हो गई है या आधा घंटा हो गया है तो आपकी आराधना पूरी हो चुकी है, तो आप अपने हाथों को हथेलियों को दोनों तरफ से जोड़ें और इस हथेली को जोड़ने के बाद अपने मुख से पूरे हाथ को इस तरह से फेर लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के साथ साथ आपको धन की वृद्धि देती हैं। और आप अपने मंदिर में भी घर की स्थापना को चेंज कर लीजिए। यदि आपका मंदिर कहीं भी हो लेकिन माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर है उसे उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी का घर निवास सबसे ज़्यादा उत्तर दिशा में ही माना जाता है और वह उत्तर दिशा ज़्यादा ही सक्रिय होती है। तस्वीर या फिर मूर्ति उत्तर दिशा में रखते हैं तो वह आपके घर में धन की आगमन में वृद्धि करता है और आपकी तिजोरी में हमेशा माता लक्ष्मी और कुबेर की हमेशा स्थापना रहती है और माता लक्ष्मी कुबेर के साथ हमेशा आपकी तिजोरी में विराजमान रहेंगे। तो आप इन कार्य को जरूर करें, लेकिन याद रखें कि इन कार्य को करते समय कोई आपको रोके और टोके ना, क्योंकि ये कार्य करते समय यदि आपको कोई रोक या टोक देता है तो आप उस चीज से बचें। और यदि आपको रात में मच्छर या मक्खी भी लगते हैं तो उसके लिए आप व्हाइट कलर की चादर या फिर दुपट्टा ओढ़ के बैठ सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इन बातों का खास ख्याल रखें यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तिजोरी हमेशा मालों से भरी रहे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।